I hope all of you are doing great. This is Palak Sharma and welcome back to our channel Palak Sharma 23. So, हम आज discuss करने वाले हैं most useful tips to improve your handwriting. आज हम कुछ ऐसे effective tips को discuss करेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोग अपनी handwriting को improve कर सकते हैं. But उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि good और bad handwriting doesn't really matters. आपकी handwriting good है bad है इतना ज़्यादा matter नहीं करती, जैसे आपको बस चीज़ें clear होनी चाहिए ज़्यादातर. तो जैसे अगर आप bad handwriting में आते हैं तो आपको doctors की handwriting आप देख सकते हैं जिसको आप नहीं समझ सकते but chemist easily समझ सकते हैं. तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी handwriting कैसी है, but we should not forget in board examination handwriting is equals to your first impression. फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन. तो अगर आप फर्स्ट पेज पर बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग लिखते हैं, बहुत ही स्वीट सा काम करते हैं, आप कोई गलती नहीं करते हैं फर्स्ट पेज पर, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका इंप्रेशन वहीं पर पड़ना होता है. ये एग्जामिनर को आपका पास्ट नहीं पता है, आपके पहले कैसे नंबर आते थे या फिर कैसा भी है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी कॉपी के अंदर, अगर एग्जामिनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके लेटर समझ में आ रहे हैं, तो आपका एक आधी परसेंट का फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है. तो अगर आपको ज़्यादा आता है तो एक बार आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन में भी होना चाहिए, और उसके लिए आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करना ज़रूरी हो जाता है. तो मैंने आपको बता दिया एक अच्छी हैंडराइटिंग किस लिए आपकी यूज़फुल है. तो एक बहुत ही अच्छी जो टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि मैं आपको लास्ट में आकर के वीडियो में कुछ पर्टिकुलर टिप्स सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए देने वाली हूँ प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, जिससे आप लोग हाई स्कोर कर सकते हैं. तो अभी आपको लास्ट में देखने हैं वो सारे टिप्स. उससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको अपनी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने सारे दोस्तों के साथ में जिससे उनका भी कोई भी लेक्चर मिस ना हो. और अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं तो आप लोगों को इसी चैनल पे क्लास ट्वेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, आप एक बार उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं. लिंक मैं उन सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टिप को. फर्स्ट टिप है आपकी कि जब आप कुछ भी चीज़ लिखें तो आपको अपनी पूरी की पूरी आर्म्स को मूव करना है रेदर देन जस्ट योर हैंड. कुछ बच्चे क्या करते हैं जब वो लिखते हैं तो इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं और सिर्फ इस तरीके से लिखते रहेंगे, बट ये चीज़ नहीं लाने वाले. बट कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से लिखते हैं कि वो पूरा आर्म मूव कर रहे होते हैं. तो आपको इस तरीके से लिखना है जैसे आपको फोटो में शो हुआ है कि मूव योर एंटायर आर्म. ये चीज़ क्या है, आप अपनी आर्म नहीं मूव कर रहे, ये वाला पार्ट इस कॉपी पे एकदम आपने रखा हुआ है, बट इस वाले केस में क्या है, आपने अपनी आर्म्स को हटाया हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस है आपकी कॉपी और आर्म के बीच में. अगर आप इस एक बार इस तरीके से लिख के देखेंगे तो आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा. अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, बट अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, एक और टिप देखते हैं सेकंड टिप को. सेकंड टिप है होल्ड योर पेन कंफर्टेबली एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस. तो क्या हुआ, मैंने काफ़ी सारी जगह देखा है आप लोगों को बताते हैं कि पेन को यहाँ से पकड़ो, कुछ लोग बोलते हैं पेन को यहाँ से पकड़ो, कुछ लोग बोलते हैं पेन को यहाँ से पकड़ो. तो इसमें कुछ नहीं, पेन जहाँ से आप कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं. जैसे यहाँ पर आपको फोटोज़ में बहुत सारे वेज दिखाए गए कि पेन को आप इस तरीके से पकड़ें या फिर आप इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें. तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी ऑप्टिमम डिस्टेंस है जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वहाँ से पेन को पकड़ें और इजीली आप उससे लिख पाएं. तो बोलते हैं पेन को तीन उंगली से पकड़ो, कुछ बोलते हैं दो उंगली से पकड़ो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको जहाँ से पेन कंफर्टेबल लगता है, आप इनमें से जो भी वेज आपको कंफर्टेबल लगते हैं, आपको अपनी ऑप्टिमम डिस्टेंस अब तक पता होती है कि किस तरीके से मेरे को कंफर्टेबल लगता है. आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप नोटबुक में कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, तो जो भी आपका कंफर्टेबल एंगल है आप उसको ट्राई कर सकते हैं और उसी में आप लोग जो भी आपका कंफर्टेबल है उसमें आप लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज़ आपकी साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप इस एंगल पर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग आएगी. जो भी आपका कंफर्टेबल है आप उस पर लिख सकते हैं. सेकंड चीज़ आते हैं राइट स्लोली. स्लोली से क्या मतलब है, आप अपने एक एक लेटर पर फोकस करें. जब आप रोज में भी लिख रहे हैं तो भी आप एक एक लेटर पर फोकस करें, उससे क्या होगा, आप अपने कोशिश करिए. जैसे आपका आर अगर आप अलग बनाते हैं थोड़ा सा, या अगर आपका जी थोड़ा गंदा बनता है, तो आप उन पे फोकस करें, स्लोली लिखें. अगर आप रोज़ में लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी ना करें, एक बार आप स्लोली लिखें. और अभी से अगर आप राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे तो अभी आपके उसमें काफ़ी सारे मंथ्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन तक, तो आप इजीली उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं. पेज भर दिया, दो पेज भर दिए, तीन पेज भर दिए, भरने से कुछ नहीं होगा. मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा ना लिखें बट स्लोली लिखें. अगर आप एक पेज भी लिखते हैं तो आप स्लोली लिखें, एक एक लेटर पर फोकस करें. कि आप टाइगर लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली आप लिखें. एक तो आपका ये टाइगर है, ऊपर से आप क्या करें, जल्दी 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 टाइगर आगे आगे, मतलब इस तरीके से ना लिखें. आप पेजेस भरने में फोकस ना करें, स्लोली लिखें, एक एक लेटर पर फोकस करें जब आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं तब.
बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं कहूँगी फर्स्ट पेज तो आपको ज़रूर स्लोली लिखना है और अच्छे से लिखना है, और फर्स्ट पेज में आप कोशिश करिए आपकी गलतियाँ कम से कम हो, फर्स्ट पेज का इंप्रेशन आपको बहुत ही अच्छा जाए। सेकेंड चीज़, जब आप रोज़ में भी लिखते हैं, कभी आप अपनी रफ में लिखते हैं या फिर कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो आपको थोड़ा स्लोली लिखिए, ऐसे जल्दी नहीं है, स्लोली लिखिए और दिमाग में रखिए कि थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे देखते हैं सम पॉइंट्स टू रिमेंबर इन एग्जाम। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ पर्टिकुलर टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, तो होगा क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप अपनी नोटबुक में कुछ भी लिख रहे हैं तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप क्या करें उन्हें अंडरलाइन कर दें, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आपका एग्जामिनर इतनी सारी चीज़ों को नहीं देखेगा। होगा क्या, अगर आपने बहुत कुछ लिखा, इतना सब कुछ लिखा तो एग्जामिनर सारा चीज़ें पढ़े, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे तो फोकस आपका अंडरलाइंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर जाएगा, और अगर आपकी कुछ चीज़ गलत भी होगी तो मे बी उस पर आपका एग्जामिनर का फोकस ना पड़े। क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करें, अंडरलाइन करें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आगे देखते हैं सेकंड है आपका डू नॉट राइट टू स्मॉल। कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं, अगर ये आपकी लाइंस हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ख़त्म कर देंगे सब कुछ लिख करके, ए बी सी सिंपल यहीं पे ख़त्म कर देंगे, तो आप इतना छोटा छोटा भी ना लिखें, मतलब इतना बड़ा बड़ा भी ना लिखें कि पूरा ए बी सी, आप क्या करें बहुत मीडियम डिस्टेंस पर आप लिखें, ठीक है, मीडियम डिस्टेंस पर आप लिखें, और आपके जो कैपिटल लेटर्स हैं और जो आपके स्मॉल लेटर हैं उनमें 2:1 का रेशियो होना चाहिए। जैसे अगर आपका ये आपने टाइगर लिखना है तो आप टी और आई जब बनाएं तो थोड़ा सा उसके नीचे छोटा लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं टी भी इतना ही बनाएंगे, आई भी फिर उतना ही बनाएंगे, फिर जी भी उतना ही बनाएंगे, पता नहीं चल पाता कौन सा कैपिटल लेटर है। थोड़ा सा अगर आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में 2:1 का रेशियो रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम्स में आपकी हैंडराइटिंग में सिमेट्री हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने इसीलिए मतलब जानबूझ के सिमेट्री में बनाया है, आप यहाँ पे देखो इस लाइन से आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड है आपका सिमेट्री होनी चाहिए, थर्ड है आपका डू नॉट राइट टू स्मॉल। तो आप देख रहे हो इनमें आपकी सिमेट्री, आपने इस पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट किए सारे के सारे क्वेश्चंस को, और इनके जो मतलब एक तरीके से आपके जो ये चीज़ें हैं आपने सारी की सारी इस पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट की, और अगर आप यहाँ तक खत्म कर रहे हो तो आपकी सारी लाइनें यहीं पर खत्म होनी चाहिए। अगर स्मॉल के आगे हमें कुछ और भी लिखना होता तो यहाँ पर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन से यहाँ से शुरू कर देती, अगर मैं इस चीज़ के बाद यहाँ तक जाती तो उसमें सिमेट्री नहीं आ पाती। ये चीज़ आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप आर्टिकल लिख रहे हो या फिर आप लेटर राइटिंग में हो, तो आप सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपकी कॉपी है इस तरीके से लाइन में मार्जिन में, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और सिर्फ यहीं तक लिखना है, यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक लिखना है, चाहे वो आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो ठीक है, बट आपको फिर शुरू यहीं से करना है और यहाँ तक लिखना है। और आपको ऐसा नहीं कि आधा यहाँ तक भागे जा रहे हैं यहाँ तक भागे जा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन की कॉपी में ऊपर ही लिख देते हैं, अगर ये एक आपकी एक लाइन होती है यहाँ पर उसके ऊपर ऊपर लिख देते हैं अगर छूट जाता है तो आप ध्यान दीजिए आपके पास कॉपी काफ़ी सारी है और आप आराम से लाइन का मार्जिन देकर के अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए और आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है आपका डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। होता क्या है, हम लोग गंदा गंदा लिख रहे होते हैं, फिर हमसे कोई कहता है कि आप तो बहुत ही गंदा लिख रहे हैं, तो आप बोलते हो कौन सा मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा, रफ में तो लिख रहा हूँ कैसा भी लिखूँ, रफ में भी अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लिखे जा रहे हैं, आपके लेटर से क्लियर नहीं हो रहे, बट अगर आप रफ में अपने फेयर कॉपीज़ में बहुत अच्छा अच्छा लिखेंगे आप एग्जाम का वेट ना करें, आप क्या कहते हो एग्जाम तक वेट कर देंगे, जब एग्जाम आएंगे तब मैं अच्छा अच्छा लिखूंगा, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में जल्दी भी लिख पाएंगे और अच्छा भी लिख पाएंगे। तो आप ऐसे एक्सक्यूजेज ना बनाएं और बहुत ही मतलब रोज़मर्रा में भी आप कोशिश करें कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है बी पॉजिटिव। आपको रखना है, आपको कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि चल हाँ जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलने, तो कौन सा इंप्रूव होने से ज़्यादा नंबर मिलने वाले, बट अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको 1-2% में बता रही हूँ ज़्यादा इंप्रूव होगा अगर आपकी राइटिंग में, तो आपको जो आपका टैलेंट है जो आपकी एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपको आता है वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे एग्जामिनर के पास में और आपको उससे मार्क्स मिलेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो आप लोगों को उसके लिए ज़रूर ट्राई करते रहना, ऐसा नहीं है कि पहले से मेरी ऐसी चलती आ रही है तो ऐसी चलाती हूँ, ऐसा नहीं करना। आई होप आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे देती हूँ यहीं पर कि अगर आप कभी लिख रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्सिव राइटिंग नहीं भी आती समझ में, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है और आप कर्सिव राइटिंग में ट्राई ना करें, आप क्या कर सकते हैं हर लेटर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस अलग अलग लिखना शुरू करें। जैसे अगर हम टाइगर लिख रहे हैं तो TIGER अलग अलग आप लिखें, कैट लिख रहे हैं CAT इस तरीके से लिखें। आप अपनी जो पेंसिल है उसको बार बार लिफ्ट अप करें हर लेटर पे, और इसी तरीके से अगर आपको ये कर्सिव राइटिंग नहीं आती कि CAT, अगर आपको ऐसी राइटिंग आपकी सही नहीं आती है तो आप इस तरीके से अलग अलग लेटर्स को लिखने का भी ट्राई कर सकते हैं।
क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को. सो आई होप आज की वीडियो में जितने भी मैंने आपको टिप्स शेयर किए वो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाले हैं. और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए आप लोग कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपका आगे वाला कोई भी लेक्चर मिस ना हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट रिगार्डिंग एनी लेक्चर, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर.